जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 5 से किसी भी नए आदत को डेवलप करने का एक साइंटिफिकली प्रूवन, इजी और इफेक्टिव तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चारों दोस्त थे राम, श्याम, जदू और मधु, जिन्होंने एक नई आदत बनाने का फैसला लिया, डेली मेडिटेशन करना। मधु ने अपनी जर्नी शुरू की। उसने डिसाइड किया कि कल से वह रोज मेडिटेशन करेगा। अगले दिन जैसा उसने प्लान किया था उसने मेडिटेशन की, लेकिन दूसरे दिन वह इतना बिजी हो गया कि वो मेडिटेशन करना भूल गया। फिर अगले दिन उसने वैसा ही किया, लेकिन उसके बाद 4-5 दिनों तक बिजी रहने की वजह से वो मेडिटेशन के बारे में भूल गया। यह पैटर्न जारी रहा और एक हफ्ते के बाद उसने चिल्ला के कहा, मैं नहीं कर सकता यह सब, और मेडिटेशन छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ जदू मधु की तरह सिर्फ अपने से किए वादे पर डिपेंड नहीं हुआ। वो खुद को हर रोज यूट्यूब पर अलग अलग मेडिटेशन वीडियोस देखकर मोटिवेटेड रखता। उसने बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में सीखा। ये सबने उसे कुछ दिनों तक रेगुलरली मेडिटेशन करने के लिए मोटिवेटेड रखा। लेकिन मधु की तरह जदू भी अपने कामों में इतना उलझ गया कि एक दिन मेडिटेशन करने के बारे में भूल गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद वो बिजी हो गया और मेडिटेशन का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया। तो ऐसे 2 हफ्ते बाद जदू ने कहा, कोई बेनिफिट तो दिखाई नहीं दे रहा, ये सब बेकार है। निराश होकर उसने भी मेडिटेशन को छोड़ दिया। लेकिन श्याम ने जदू के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं किया। वो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंडेंट नहीं हुआ। उसने यूट्यूब पर ना ही सिर्फ मेडिटेशन वीडियोस देखी, लेकिन साथ ही साथ खुद के लिए डेली मेडिटेशन करने का एक स्पेसिफिक रूटीन भी बनाया। श्याम ने अपनी डायरी में लिखा, कल से हर रोज सुबह 8 बजे मैं अपने स्टडी रूम की टेबल के सामने बैठकर 5 मिनट तक मेडिटेशन करूंगा। तो जदू की तरह सिर्फ मोटिवेशन पर पूरा डिपेंड होने के बजाय उसने अपनी मेडिटेशन की नई हैबिट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, प्लेस और ड्यूरेशन सेट किया। अगले हफ्ते के लिए श्याम ने रोज मेडिटेशन किया, लेकिन एक दिन उसका अलार्म मिस हो गया और वो देर से उठ गया तो उसका 8 बजे का मेडिटेशन मिस हो गया। कुछ और दिनों तक ट्राई करने के बाद एक सुबह श्याम को एक फ्रेंड का कॉल आया और बातों ही बातों में 9 बज गए। उस दिन की मेडिटेशन भी मिस हो गई। ये पैटर्न चलता रहा और श्याम ने अपने मेडिटेशन के टाइम में अलग अलग इंटरप्शंस का सामना किया, जिससे उसका हौसला टूट रहा था। लगभग 1 महीने स्ट्रगल करने के बाद श्याम बिल्कुल जदू की तरह सोचने लगा, क्या इन सारी परेशानियों को सहने में सचमुच कोई फायदा है? और उसने भी अपनी मेडिटेशन की हैबिट को छोड़ दिया। वही दूसरे हाथ राम ने भी श्याम की तरह अपनी मेडिटेशन के लिए एक रूटीन बनाया। राम ने अपनी डायरी में लिखा, सुबह उठने के बाद, ब्रश करने और फ्रेश होने के बाद मैं स्टडी रूम की टेबल के सामने अर्धा सिडासाना में बैठूंगा और 5 मिनट तक मेडिटेट करूंगा। राम ने जो तरीका अपनाया इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, यानी एक नई हैबिट को एक पहले से बनी हैबिट से जोड़ना। ब्रिटेन में की गई साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूफ किया है कि यह तरीका किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने में सबसे इफेक्टिव है। अगर आप श्याम और राम के रूटीन्स को ध्यान से देखेंगे तो उनमें एक छोटा सा फर्क नजर आएगा। श्याम ने मेडिटेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया था, जबकि राम ने मेडिटेशन के लिए कोई टाइम सेट नहीं किया था, बल्कि उसने उसको पहले से बनी हैबिट से जोड़ा जो वह हर रोज करता था। उस पुरानी हैबिट को करने के बाद राम मेडिटेशन की न्यू हैबिट को स्टार्ट कर देता। उसने एक स्पेसिफिक ट्रिगर को चुना जो था उसके पुरानी हैबिट को पूरा कर लेना, ताकि नई हैबिट को करने का याद ऑटोमेटिकली आ जाए। इसीलिए इस टेक्निक को हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इससे राम को मेडिटेशन करने की बात को याद रखने की जरूरत नहीं होती। यह ऑटोमेटिकली जब वह पहली एक्टिविटी को पूरा कर लेता उसे तुरंत याद आ जाता था। इससे उसकी मेडिटेशन को भूलने या बिजी होने की वजह से मिस करने के चांसेस खत्म हो जाते। और हां, राम और श्याम के रूटीन्स में एक और फर्क भी देखा जा सकता है अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए। राम का रूटीन श्याम से ज्यादा डिटेल्ड था। राम ने तय किया था कि वह मेडिटेशन कहां पर और किस पोस्चर में करेगा, जबकि श्याम ने ऐसा नहीं किया था। रिसर्च ने बताया है कि कोई रूटीन जितना डिटेल्ड होगी, यानी जितना अच्छे से आप अपने आप को उस एक्टिविटी को करते हुए विजुअलाइज कर सकते हो, उतना ही आसान वह टास्क करने में हो जाता है। तो अगर आप भी अपनी डेली रूटीन में कोई नई हैबिट शामिल करना चाहते हो तो राम के हैबिट स्टैकिंग मेथड को फॉलो करें। सबसे पहले
एक ऐसी हैबिट चुनें जो आप हर रोज लगभग उस टाइम पर करते हो। फिर उस पुरानी हैबिट को पूरा करने के बाद तुरंत नई हैबिट को स्टार्ट करें। फिर जितना डिटेल में हो सके पहले से ही डिसाइड करें कि कहां, कैसे और कितनी देर तक आप वो नई हैबिट करोगे। रिसर्च ने बताया है कि जब आपका रूटीन ज्यादा डिटेल्ड होता है, मतलब आप अपने आप को उस एक्टिविटी को करते हुए जब बिल्कुल साफ विजुअलाइज कर पाते हो, तो तब उस काम को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मुझे आशा है कि इस हैबिट स्टैकिंग मेथड को फॉलो करके आप भी किसी भी नई आदत को राम की तरह अपनी जिंदगी में आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे। मुझे नए हैबिट्स को बिल्ड करने का ये इफेक्टिव मेथड जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से मिला है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशंस, बेटर लाइफ।